गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। बस ज्यादा फ्लो में बस। तो गाइस पहले तो व्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, कई लोगों के क्वेश्चंस कई बार आते थे, कोमल कौन है, आप लोगों के घर में रहती है कोमल कौन है, हम जानते मैं ठीक है। अच्छा एक बार अपना मम्मी जान वाला डायलॉग मार दे। अम्मी जान कहती थी, क्या कहती थी? कोमल के लिए कुछ भी कहती है। अम्मी जान कहती थी, क्या बोले? कुछ भी। अम्मी जान कहती थी, क्या कहना? बोल देना यार एक बार। क्या पहले पैर तो चुपका के खड़ी हो ना, अभी ऐसे खड़ी हो। अम्मी जान कहती थी कोमल से पूरी दुनिया प्यार करती है। तो गाइस बढ़ते हैं आज के प्रैंक ब्लॉग की तरफ। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग आज डिफरेंट सी जगह पे, आज हम अपनी जगह पे भी नहीं कर रहे प्रैंक ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो गाइस हमारा प्लान बना है रिसेंटली खाटू श्याम जाने का, प्रेरणा का ऑपरेशन होना है स्टोन का, तो उससे पहले प्रेरणा खाटू श्याम जाना चाहती है बिकॉज उसने बोल, उसी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। हमने प्लान किया है खाटू श्याम जाने का, तो मैं प्रेरणा जीजू पुनीत हम चारों खाटू श्याम जा रहे हैं। एंड खाटू श्याम से वापस आते ही प्रेरणा होगी एडमिट, उसका होना है ऑपरेशन। तो गाइस जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना अपने एक इस मतलब अपनी बहन के साथ एक प्रैंक करके जाया जाए। आप लोगों की डिमांड्स तो काफ़ी आ रही है प्रेरणा के साथ, जीजू के साथ, पुनीत के साथ प्रैंक करो, सबके साथ कोई ना कोई प्रैंक करना मैंने सोच रखा है। बट हाँ, और मुझे टाइम भी लग पा रहा है और मैं कहीं ना कहीं पर सक्सेस भी हो पा रही हूँ, क्योंकि अपने प्रैंक को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना ना, मीन्स प्रैंक कर लो ठीक है, बट कैसे करो ना, उस चीज़ में दिक्कत आती है। तो गाइज अभी हम सोच चुके हैं हम क्या प्रैंक करने वाले। तो गाइज़ वैसे आपने थंबनेल और टाइटल से आप लोग समझ गए होगा, एंड ये प्रैंक मैंने एक बार बहुत पहले किया था, एंड जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं मे बी उन्होंने देखा हो या ना देखा हो, बट फिर भी हम करने वाले ये प्रैंक। प्रेरणा गई हुई है अभी नहाने, और प्रैंक कुछ इस टाइप का होने वाला है कि प्रेरणा का 14 प्रो मैक्स हम तोड़ने वाले हैं, और हम प्रॉपर नहीं तोड़ेंगे, हमने सोचा है हम उसका ऊपर से टेम्पर्ड हटाएंगे, टेम्पर्ड को क्रैक करेंगे, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद फ़ोन ऑन नहीं होगा, और फिर टेम्पर्ड वापस से चिपका देंगे, फटाफट से टेम्पर्ड तोड़ के लगा देंगे वापस। एंड गाइस मेरा टेम्पर्ड ना थोड़ा सा टूट रहा है, तो मुझे जाना है न्यू टेम्पर्ड लगवाने, तो मैंने सोचा पहले प्रैंक कर लेती हूँ, थोड़ी सी गालियाँ खा लेती हूँ, उसके बाद प्रेरणा और अपना दोनों का टेम्पर्ड मैं चढ़वा के आ जाऊँगी। तो बिना देर करे हम लोग करते हैं अपना प्रैंक स्टार्ट, जब तक प्रेरणा नहा के आती है, और आप लोग बने रहना वीडियो में ऐसे ही, और कोमल चैनल को क्या कर देना, क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। खाटू श्याम उसकी वजह से ये सब थोड़ा ऐसे फैला हुआ है बिकॉज हम लोग कर रहे थे अपना बैग पैक साथ के में, इसमें मेरे कपड़े तो डल भी चुके हैं, प्रेरणा के यहाँ पे हो रहे हैं, एंड यहाँ पे हम ले आए हैं गाइस प्रेरणा का 14 प्रो मैक्स। अब हम इसे देख रहे हैं कि हम वैसे ये थोड़ा थोड़ा साइड से क्रैक हो रहा है, बट आज चलो देखते हैं कैसे क्या करने वाले हैं हम इसके साथ। हाँ हाँ जीजू जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि अभी आप टूटने वाले हो। बाकी चलो गाइस करते हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं अंशु की हेल्प से भाई, और ये वापस चिपकाना भी है तो जल्दी तोड़ दे, ऐसे थोड़ी टूटेगा अंशु, कुछ मारना पड़ेगा इस पर कड़क सा। क्या रहा? हाँ ये मार दे, ये तो बहुत टूट गया। और अब जब फोन ऑफ करने दे यार, तो आईफोन के स्विच ऑफ होने के बड़े ड्रामे हैं। ये तो पूरा टूटा हुआ लग रहा है, मेरी बहन के फोन को क्या हो गया भाई, टेम्पर्ड गिरेगा तो नहीं? ओए हम बोलेंगे कैसे, ये किसने गिरा, ओए गिर रहा है यार ये तो, पर चप्पल खत्म हो गई पूरी इसकी। अब यार इसीलिए तो बोल रहा जल्दी लगाना था, हल्का सा हटाते, ज्यादा हटा के करा है ना, कोई नहीं ना, वो ऐसे पकड़ेगी, वो ऐसे उलट के देखेगी तो, और क्या। हाँ तो थोड़ा प्रेस कर दे दोबारा, हाँ वैसे वो उल्टा करके तो देखेगी नहीं, और देखेगी तो वहीं पे, वैसे उसको ज़्यादा झटका नहीं देंगे गाइस, उसकी तबीयत ख़राब है, वैसे ऐसे करेंगे तो ये गिर जाएगा। वही पर हम उसे बोलेंगे क्या कि ये कैसे हो गया, बोला ना मैं यहाँ लगा था फोन गलती से, तू बोल के आई हो गुन्नू, नहीं गुन्नू दीदी आपको बता नहीं रही, पर उनसे ये काम हो गया है। तो गाइस चलो वेट करते हैं अभी प्रेरणा का, मैं दिखाती हूँ आपको प्रेरणा क्या कर रही है। आगे ना आके अभी ना ही रही है, वही फ़ोन पर मत मार पागल, नहाने गई हुई है, थोड़े से उससे मजे लेते हैं। बहन क्या कर रही है? है क्या कर रही है? कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। बहन मुझे ना वीडियो बनानी है, मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है, मैं तेरा फोन ले रही हूँ ठीक है, आ जा तू जल्दी।
अपना व्लॉग अपना वहाँ पे नहीं शूट कर रहे, बिकॉज हर बार वहाँ शूट होता है तो मे बी उसे डाउट हो सकता है, तो इसीलिए ना गाइज अंशु ने एक नई जगह ढूंढी है। यहाँ पे ना हम अपना रिंग लाइट का जो हैंडल है ना वो यहाँ पे ना एक होल है, तो ये उसमें ना मीन्स अंशु बांध बांध के लगा देता है, तो ये यहाँ सेटल हो चुका है। एंड आज हम इधर वाले रूम में प्रैंक करने वाले हैं अपना, तो मैंने ये भी लगा दिया। अभी प्रिंडा को मैंने आपको दिखाया है, प्रिंडा को नहा के आने में टाइम लगेगा, तो मैंने मम्मी को भी बता दिया। तो मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी आप ऐसे ना जब प्रिंडा आ जाए ना तो आप मेरे पे, अरे मम्मी थोड़ा सा धक्का क्यों मार रही हो गाइज, हम जा रहे हैं तो मम्मी हमारे लिए खाना रेडी कर रही है। मम्मी ने कहा प्रेरणा कुछ भी बाहर का नहीं खाएगी, तो हम खाएंगे, प्रेरणा बाहर का खाएगी, कोई नहीं खाएगा। तो इसीलिए अभी चलो मैं इस पे ना लगा के देखती हूँ कि कैसा इससे दिख रहा है। तो अपना प्रैंक व्लॉग बनाया था ना, तो उसके पास 11 था, तो उसका फोन इजीली लग गया था। मेरा 14 प्रो मैक्स है, ये उसका वेट ही नहीं सह पा रहा यार, मेरा रिंग लाइट का हैंडल। रिंग लाइट पे सह लेता है बट वो तो पूरी रिंग लाइट होती है, ये यहाँ पे नहीं सह पा रहा। तो मैंने कोमल को बोला है, कोमल मैं दोनों साइड कर्टेंस लगा दूंगी, तू यहाँ बीच में से शूट करियो, बाकी चलो अब बस कोमल को ही शूट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि इस पर तो नहीं लग पा रहा मेरा फोन। तो बस अब प्रेरणा के आने का वेट है, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। मुंह बना के बैठने से बात नहीं बनती है तेरी, समझे? हो गया तो इसे मेरा हो गया तो क्या मतलब है, कितनी मेहनत से इंसान चीज खरीदता है, कितनी कम मेहनत से, क्या तुझे किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है, तू दे देगी अपना? हां इतना ठंडा है क्या हुआ? जब मैं इसी बातों से तुझे मारती हूँ ना फिर से पहले इसी बातों से। अरे मम्मी यार आप क्यों बीच में पड़ रही हो? क्या हो गया, क्या हो गया? फोन लिया कायदे से चला ले गुन्नू भाई, जन आते ये तेरा है। बड़ा वाला फोन है ना इसका, ये 14 यार ये इधर रखा हुआ था, सबने ऐसे किया कम्बल, अंशु कोमल और मैं लड़ रहे थे, तेरा फोन ऐसे नीचे चला गया। कहाँ कोमल और अंशु? अंशु उधर है कोमल। अंशु तो शर्म ही नहीं आती, वो बोल रही अंशु और अंशु कोमल सब कर दिया, पागल हो गया तू। मैंने क्या किया, मेरे नाम क्यों लगा दिए बीच में? मैंने ये बोला कि तीनों बेड पे एकदम लड़ रहे थे, एकदम मैं कब लड़ रहा था? तू था आप झूठ मत, झूठ मम्मी ने उसे बता दिया कि मेरे हाथ से गिरा, तो बाकी का झूठ मत। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, मैंने मेरा नाम जान बूझ के ले लिया क्योंकि मेरे को फंसा देते हैं ना हर चीज में, मेरे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, क्यों ले गई? उसकी तबीयत खराब है वैसे ही, तुम्हें टेंशन ही पता है, बेचारी कितनी परेशान है, परेशान का टाइम सिर पर कितनी टेंशन हो रही है उसे। मेरा नाम लगा लियो ऊपर से, अरे ढंग में ले ले तू, कोई बात नहीं बेटा, बदले में इसका ले ले तू, वही तो है। कितने तक लगता है? हर चीज में बोल तो देती है, बताओ कितने चाहिए? एक तो तू इनको खाली यही बोला कर, कुछ काम मत कर, इन्हें सिर पे चढ़ा ले अपने। अगली महीने की तनख्वाह दे दूंगी और क्या करूंगी, गलती से गिरा मम्मी, कोई जान के थोड़ी ना वो ले ले, धूम बचा ले धूम वाले फोन, तू उसके लायक है। मुझे एक बार मामा की दुकान पे ले गया कि टेंपर्ड है कि स्क्रीन है, मैंने चालू करके देखा स्क्रीन चालू नहीं हो रही, ऐसा बोलते हैं। अरे तो तुम वाली बात नहीं है, पर ऐसे क्या बच्चे हो गया, वही तो सही बात है, तो उसके फोन में कर क्या रही थी, कर क्या रही थी उसके फोन में? रोना गया, हंसना गया, तेरी फूट मारने का गलती से गिर गया मैंने, पर तू कर क्या रही थी उसके फोन में? अरे ये बेड पे रखा हुआ था, ये सारे फोन रखे थे, एकदम हुआ था, तुम भी तो था शामिल, मैं था ही नहीं, मैंने कोई देखा था कि हमारी वाला भी गिरेगी पीछे कर ले, मैं इसके हाथ में बैक्टीरिया दोनों बहन भाई का, मेरे नाम मत ले, मेरे को मत बीच में ला। हाँ भाई शिवम, ओए ओ मेंटल, तू भी था फोन टूट, हाँ भी कह रहा है फोन टूटने में, इधर आइया, तू नहीं तोड़ा इधर आ, किसने तोड़ा फोन, तूने अभी बोला तू था, मैं तू बोल रहा है हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा एक बात बता दे, तेरे नजरों के आगे किसने करा ये काम, मैं नहाने गई थी, अरे मैंने खुद देखा इसके हाथ से गिरता, तेरे को कोमल का कोमल का ये अबे ओ मेंटल, इधर आ तू, इधर आ, वो टिकले तेरे में कब दिमाग आएगा, ये नहीं आएगा, 8-9 साल का तू अब दिमाग, चुप हो जा, मत मैं रो भी नहीं रही, मैं तो रो रहा हंसना दोनों आ रहे, तो मैं आ जा यार, तेरा भाई मेंटल है वो बता के चला गया यार, भाई इसके भाई को बुला के ला, मैंने वो टेम्पर्ड है, मैंने ना उसको चिपका दिया है, वो अभी तेरे टेम्पर्ड नया लगवा रहा हूं, वैसे भी मैं कोई बात नहीं तू दे, तू तो हां वैसे भी कुछ कहा, मेरी बहन इतनी अरे उनसे बढ़ के है क्या फोन है, एक महीने की तनख्वाह में ना वैसे दो फोन नहीं, आदमी को तो हमारी कदर नहीं है, अच्छा ये अपना मान लिया भाई, मैं पहले उसको शिवम को लेके आओ, पहले उसको लेके आओ, जरा जरा भी सीरियस नहीं,
गुस्सा नहीं आ रहा? ₹100 का नया टेम्पर चढ़वा रखा था गोरिल्ला ग्लास ₹1,50,000 ना तेरे हलक में हाथ देकर निकाल देती है अभी तो आए थे खत्म हो गया। चलो मामा की दुकान पे चलो टेम्पर्ड और कवर दिलवा के लाओ। मेरे को भी टेम्पर्ड लगवाना है। कवर है नया मेरे को मेरे भी फोन कर शिवम पे गुस्सा आ रहा है दीदी। वो कोमल है नहीं पर अगर फोन भी टूट गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बच्चे भी हम नोना भी कल को तोड़ देंगे तो क्या लड़ेंगे उससे? वो तो बच्ची है, ये तो घोड़े हैं और इस घोड़े में फर्क नहीं है। बच्चे तो बच्चे हैं। मैं ही तोड़ दूं फिर इनका। अब मैं इसका फेंक के मारूं तोड़ दूं फिर ये कर लूं। अपनी नजर में बड़ी हो आप सही नहीं। गाइस तो चलो मैं पहले ना टेम्पर्ड लगवा के आती हूं दोनों फोनों पे बिकॉज़ तुम टूटे हुए बाकी मेरा प्लान ले जाइए। सुनिए ये कलर ऐसा पीला क्यों हो रहा है? बाकी गाइस मेरा प्रैंक था, ज्यादा जोशफुल नहीं आया बट ट्रांसपेरेंट कलर ठीक है यार। तो ये ज्यादा रोने पीटने लगती है अपना फोन को देख के। ऐसे रोती तो नहीं मैंने, पर जब मैंने पहले इसके साथ ये प्रैंक किया था तब तो ये सीरियस हो गई। मेरे को पता था चीज टूटने का, मैं कभी परेशान नहीं हुई। ला कोमल ला मैं टेम्पर्ड लगवा के जा रही हूँ। टेम्पर्ड लगवाने इसका मैं जा रही हूं। तो या मेरा भी लगवाया है। टेम्पर्ड वेम्पर्ड तो ठीक है गुनु तेरा, पर मैं तेरे को बात बता रही हूं। आज अपने चुन्नी कैसे ले रखी है किसी और स्टाइल में? कोई स्टाइल में नहीं, मैं दुख रहा मेरी बात सुन ले पर। हाँ अब ना 1-1.5-2 महीने पहन के था, कोई प्रैंक कोई परेशान नहीं करेगा उसे किसी भी तरह से। तो वो ऐसे छोटे मोटे नुकसानों में परेशान होती भी नहीं है? नहीं होती, लेकिन पता नहीं है कि वो रईस है इतनी। बात रईस की नहीं है, रईस की बात नहीं होती, वो प्यार करती है। एक बार बताऊं, खाए पिए का ₹1,000 का दुख नहीं होता, खो जाए तो ₹10 का भी दुख होता है। इसलिए अगर तुम्हें दिला लेगी कुछ उसका दुख नहीं होगा, टूट जाता है तो दुख होता है, पर वही है तुम्हारे ऊपर वो कुछ कहती नहीं है। इतने में तो तुम्हारी थूथ निपटा देनी चाहिए थी मुझे, है ना? मुझे तभी साफ करनी थोड़ा मैंने। बेटा बात सुन ना, उसका ऑपरेशन होना है, वो उसमें स्टिचेस वगैरह में होगी, परेशान होगी दर्द में, और तू उनसे प्रैंक करेगी इसलिए तेरे को अभी हुआ थोड़ी है अभी थोड़ी। हाँ तो ये आखिरी प्रैंक है। मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं होगी, हॉस्पिटल में थोड़ी प्रैंक करूंगी। 1-1.5 महीने नहीं करेगी 1-1.5 महीने रहेगी उसमें, तबीयत तो खराब। गाइस एक दिन का लेजर ऑपरेशन है, उसके बाद अगले दिन डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर 1 वीक तक का रेस्ट है, उसके बाद डिंचिक है नॉर्मल। और तू सबसे ज्यादा तुझे ही ध्यान रखना है, उसको खिलसाना नहीं, तू ही खिलसाती है। मैं नहीं खिलसाती उसको, खुद खिलसती है मेरा नाम ले लेके वो, पर मैं नहीं खिलसाती उसको। देखो बता रही हूं, अभी और बहन का खास ध्यान रखना, बाहर का कुछ मत खाएंगे अभी आ रहे नहीं, हम भी नहीं खाएंगे बाहर का, पिएंगे बस, क्योंकि बाहर जाओ ना ठंडा ठंडा पीने का दिल करता है तो पिएंगे। बाकी गाइस चलो ये जा रहे, मेरा भी टेम्पर लगवाएंगे। मेरे भी टेम्पर थोड़ा सा टूट रहा है, बट फ्रंट स्क्रीन है मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो चलो टेम्पर लगवाने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कपिल शर्मा शो। कोमल तेरे भाई को दिमाग कब आएगा बताओ ना एक बार? वो देख कैसे इशारे मार रहे कोमल गोरी पीछे, उसको कब दिमाग आएगा? वो 8-9 साल का हो गया कोमल, बता ना। गाइस कोमल अपने गले में देखो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसके नाम का लॉकेट पहन के रखती है। कशिश निशी दी अपना लॉकेट लेना, मैं आपका भी पहन लूंगा। मैं जा रही हूँ अंशु के साथ, निकल गई स्कूटी पे, आप आ जाओ। इतने गाइस फ्रेंड ने जीजू को फोटो भेजी कि पम्मी मेरा फोन टूट गया है, तो जीजू तो सच में सीरियस हो गए। नोना बच्चा सो रहा है, नोना बच्चे को नहीं पता कि मासी जा, मम्मी नोना के ऊपर मच्छर बैठा, जल्दी उड़ाओ। मम्मी यार रिपोर्ट है चेक। मम्मी डॉक्टर बन गई क्या आप? कितनी बार देखोगी रिपोर्ट है? मम्मी नॉर्मल है, वो हो जाएगा। गाइज हम लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं प्रेरणा के लिए, बट ना प्रेरणा ना सुनती नहीं है गाइज, या उसका भी क्या कसूर है गाइज? अब उसको इतनी सारी दिक्कतें एक साथ हो जाती हैं, तो अब बाकी ऑपरेशन वैसे हमने तो नहीं सोचा कराने का, हमारा नहीं मन कर रहा ऑपरेशन कराने का, बिकॉज कोई कह रहा है ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कह रहा है ऑपरेशन नहीं कराओ तो प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा, काफ़ी सारे सजेशंस आप लोगों ने भी दिए हैं बट फिर भी हम कन्फ्यूज़ ही हैं। तो
ऑपरेशन ही हमें अब एंड लग रहा है, क्योंकि आज अल्ट्रासाउंड कराए थे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं, तो इसलिए अब हमें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। नॉर्मल है मम्मी, ठीक है, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी बिस्किट खा रही थी तो कालू भी आ गया बिस्किट खाने के लिए। गाइस ये वैसे हमारी गली का कुत्ता है, पर ये ना हमसे ऐसे प्यार जताता है जैसे कि हमारा ही कुत्ता है। ओए कालू इधर बता। कालू मैं खाने बैठी हूं, बिस्कुट देखते ही तू आ गया। कालू ये बता पहले कि तू हमारा कुत्ता है क्या? तू मम्मी ये किसी का पालतू कुत्ता है छूटा हुआ है? ये हम ऐसी गली में किसी ने पाला हुआ छोड़ दिया। कहाँ से आ गया? हमारा क्या रिश्ता है तू कुछ बताएगा? हाँ ना हम तुझे जानते ना तू हमें जानता, तू फिर भी हमसे इतना प्यार क्यों? काली पहनी मैं छोड़े तो रिश्ते कालू गाइस मम्मी ना कालू कालू मतलब तुझे बात नहीं करनी, तेरे को बिस्किट खाना है। पर दस वाले दो पाले जी दिया कालू बकरे। कालू यहाँ कोई जवाब, कालू कोई बड़ा बात कर रहा है जवाब। गाइस और पता है इसका नाम भी हमें नहीं पता, पर ये पूरा काला है ना इसलिए हमने कालू रख दिया। गाइज ये ना पर पता है ये गाइज हमारे घर में रहता है, ये पता है पूरे टाइम हमारी बाहर बरांडे में सोया रहता है, किसी को कुछ नहीं कहता ना, ये भौंकता ना कुछ। और जैसे बाकी कुत्ते होते हैं ना घर में गंद घुस जाते हैं तो इधर उधर घूमते हैं, ये कुछ नहीं करता। ये आता है गाइज, ये कभी एसी वाले रूम में लेट जाता है, कभी कॉर्नर में अपना लेटा रहता है। ये बहुत अच्छा कुत्ता है, वैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, पर अगर कालू अगर कोई कुत्ते मुझे गली के और काटने लगेंगे तो तू मुझे बचाएगा? कालू जवाब दे देगा एक बार, इसीलिए मैं तेरे से प्यार नहीं जताती, क्योंकि तू भी मुझसे प्यार नहीं जताता। कालू डॉन उसको बिस्किट खाना है, वो गुस्सा हो रहा है। इसी के साथ करते हैं इस वाली वीडियो का एंड। कालू तो पता नहीं गुस्सा है तो कोमल गई है कालू के लिए बिस्किट लेने। और गाइस मुझे जाने हैं अपने दो, एक मैंने निकाल लिया एक मुझे निकालना है, ये दो सूट मुझे जाने हैं अभी स्टिचिंग पे देने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा लूज है एंड मे बी मुझे एक दो फंक्शन में अभी जाना है, अगर प्रेरणा का पॉसिबल रहा तो हम सब जाएंगे वरना नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले से काम तो करके रखते हैं, मैं स्टिचिंग पे देने जा रही हूँ एंड वीडियो का करते हैं एंड आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ एंड खाटू श्याम जा रहे हैं तो आगे गाइस रुको रुको जीजू के रिएक्शंस भी लेते हैं। पर अभी उतारा नहीं ना हमने डरिया भी इसलिए मैं लेन वेन में कुछ ना आई। मैंने ना निशी के साथ प्रैंक किया था और फिर ना उसके साथ तो प्रैंक सक्सेसफुल रहा नहीं, उसने आपको फोन करके भेजा गाइस। और ना जब आप कॉल पे बात कर रहे थे तब भी मैंने ब्लॉग लिया, आपने डर गए, आपको क्या लगा सच में मैंने फोन तोड़ दिया? मगर टूट को लाली ने फेंक दी, बताया उसने बताया नहीं बड़ी लाली ने फेंक दिया गाइस। देखो निशी ने ना इनको अरे कहा निशी ने ना इनको फोटो भेजी थी कि पम्मी देखना मेरा फोन टूट गया, वो कह रही चल बहन पम्मी के साथ प्रैंक करते हैं। जी जो आपको सच में ऐसा लगा फोन टूट गया है ना? बट नहीं ये फोन नहीं टूटा, ये मैंने प्रैंक किया था। गाइस मैं इतनी स्मार्ट हूँ ना मैं क्या बताऊँ जी जो मैं वो टेम्पर लगवाने मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? तैयार हो गई मैं, ठीक लग रही ना यार कुछ? हाँ खिचड़ी बनाई है मम्मी ने। हाँ ये देखो मैंने तोड़ा था, ये नोना के डमरू से मार के तोड़ा था मैंने। सच में सीरियस हो गए थे जब जीजू के कॉल पे ना, मैंने ना कॉल पे जब प्रेरणा बात करी थी तो मुझे पता नहीं था, मैंने भी ना व्लॉग थोड़ी देर में स्टार्ट किया था जब जीजू ने एकदम हो गया यार किस कैसे हो गया, ज्यादा गई डिस्प्ले गई स्क्रीन गई क्या हो गया ये वो, बट हाँ ये एक प्रैंक का ही पार्ट था। तो चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वाले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफ़ी और इंटरेस्टिंग से प्रैंक किस किस के ऊपर करने हैं सब कुछ मैंने सोच रखा है, तो कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो इसलिए बेल आइकन पहले ही प्रेस कर दिया करो। एंड आपने लास्ट व्लॉग में कमेंट किया था कि दी हम लोगों को डांस वीडियो के ओरिजिनल साउंड सुनने हैं, तो वो भी शॉर्ट्स पे अपलोड है, शॉर्ट्स पे मेरी मीशो सीरीज भी आती रहती है तो उसे भी देखना मत भूला करो। एंड इस वाले व्लॉग को कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। एंड गाइस सीरियसली वैसे ये बात व्लॉग के लिए नहीं है, मैं वैसे बताऊं अगर हम प्रेरणा का कुछ भी नुकसान कर देते हैं तो हाँ मैंने सोचा कि प्रैंक करते हैं देखते हैं प्रेरणा के क्या रिएक्शन होंगे, बट वो कभी भी हम पे गुस्सा नहीं होती, इनफैक्ट कई बार हमसे हो जाता है, जैसे अब कई बार नहीं ब्लॉग में बताते कई बार तो, लास्ट प्रेरणा का नसीब वाले जो आपको प्रेरणा जैसी बहन मिली है, तू नहीं है नसीब वाले तुझे भी तो मिले हुए हम है? तो गाइस अभी मैं भी जा रही हूँ, दिन में ही खिलाई है कोमल, जा रही हूँ ना गाइस, रोज मुझसे बटर स्कॉच लेके खाते, रोज की दीदी बटर स्कॉच खिलाओ रोज, और बल्कि मैं अपना खाना भूल जाऊँ पर इसको मैं खिला देती हूँ और ये फिर भी ऐसे बोलती है। बाकी चलो मिलेंगे न्यू वीडियो में, बाय बाय लव यू टेक केयर।